है हमारी लोवाटो की सीएनजी किट। अभी देखिए ये गाड़ी अभी पूरा सीएनजी पे स्टार्ट है। अब इंजन का साउंड देख लीजिए कितना स्मूथ सा साउंड है इंजन का। तो भाई आज हम अपनी ह्युंडई क्रेटा 2019 मॉडल है फरवरी का, वो लोवाटो की सीएनजी किट लगवाने वाले हैं और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कितनी कॉस्ट पड़ती है और किस तरह से इसमें जो है वो इंस्टॉलेशन की जाती है। और इसमें पूरा सेटअप ये रहा लोवाटो का। सीएनजी किट के साथ में इस गाड़ी में 14 kg का सिलेंडर यहाँ पर लगने वाला है। 50,439 किलोमीटर जो है वो गाड़ी टोटल चल चुकी है अभी तक, ठीक है। लेकिन ये भाई 7 से 8 किलोमीटर का ही माइलेज देती है। हमारी लोवाटो की सीएनजी किट पूरी की पूरी यहाँ पर हम एक्सप्लेन करा देते हैं। हार्नेस वायरिंग है आपकी इस तरह की, ठीक है, जो कि लोवाटो कंपनी की है। ये हमारा ECM है लोवाटो कंपनी का, बकायदा यहाँ पर ब्रांडिंग भी हो रखी है। जब भी आप अपनी गाड़ी में किट लगवा रहे हैं ना तो ये बैजिंग वगैरह जरूर देखें। ये BS4 है तो इसमें लोवाटो के 4 इंजेक्टर लगेंगे। ये हमारा रिड्यूसर हो गया है, ये भी लोवाटो कंपनी का है, यहाँ पर बकायदा लोवाटो लिखा हुआ है। फिलिंग वाल्व गैस डालने वाला है ना, ये है आपका जो गैस का सिलेंडर होता है और गैस को बंद और चालू करने का आपका CNG वाला स्विच है। जो ये स्टील वाला पाइप है मैं CNG सप्लाई करता है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये आपका मीटर गेज हो गया। बाकी ये है भाई नट वोल्ट वगैरह, ठीक है। ये है पूरी CNG किट। तो CNG लगाने से पहले सबसे पहले बैटरी के जो कनेक्शन है वो हटा दिए जाएंगे। ये तुम्हारी भाई वायरिंग, इसमें टेपिंग वगैरह पूरी हो रखी है। अब देखो अगर आप अपनी भी क्रेटा गाड़ी में CNG लगवाना चाहते हैं ना तो भाई सबसे बड़ी बात आ जाती है बूट के बारे में, ठीक है। तो ये है भाई इसका स्टैंड जो कि इसके ऊपर में CNG का सिलेंडर लगेगा। सिलेंडर लगने के बाद में भी यहाँ पर तकरीबन आधा बूट यहाँ पर बच जाएगा 200-250 लीटर का। इसमें लगवाऊंगा भाई ये 14 kg वाला सिलेंडर है वो यहाँ पर लग गया है 100 के ऊपर वाले नट के साथ में, ठीक है यहाँ पर। और ये है भाई इसका फिलिंग वाल्व यहाँ पर लगेगा। आपने अपनी गाड़ी में CNG लगवा रहे हो और वायरिंग कटे या ना कटे लेकिन आपकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो ही जाती है भाई साहब, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये है वायरिंग इसकी इंजेक्टर वाली, पेट्रोल के इंजेक्टर ये हैं और CNG वाले इसके ऊपर में लगाए जाएंगे, इसमें छेद होगा है ना। अब देखो CNG स्टैंड को लगाने के लिए यहाँ पर इसमें 4 छेद हो चुके हैं। और हुंडई की गाड़ियों की जो चादर होती है ना वो थोड़ी सी हैवी होती है, अगर मारुति में यही चीज़ होती है ना तो भाई उसका जो चादर वगैरह वो बाद में फट भी जाती है। तो भाई CNG सिलेंडर का जो स्टैंड है वो यहाँ पर लग चुका है। ये देखो इसमें वायरिंग का जो काम है वो लगभग 70-80% कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो इंजेक्टर रेल है ये लग चुकी हैं और इसकी जो पाइप की फिटिंग है वो यहाँ पर बकायदा 1, 2, 3, 4 होल यहाँ पर किए गए हैं और एक होल ये है। ये जो होल है ना एक्स्ट्रा 5वां वाला, यहाँ से एयर लेगा इंजन, ठीक है। CM लगेगा CNG वाला, ये वाला यहाँ पर पीछे की साइड में सर यहाँ पर लग गया है और ये रहा इसका मीटर। देखो गाड़ी में जो CNG फिटमेंट का जो काम था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ये लगा भाई इसका ECM CNG वाला, ये गाड़ी का मेन ECM है, ठीक है। यहाँ पर 4 इंजेक्टर वाली इसमें रेल लगी हुई है, ये BS4 वाली गाड़ी है और जो BS6 वाली गाड़ियाँ होती हैं जो कि 2020 के बाद आई हैं उनमें 8 इंजेक्टर जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक। और इसका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से जो है वो इसमें गैस डाली जाएगी इस जगह से। यहाँ अभी गाड़ी का जो इंजन है वो आइडल RPM पे स्टार्ट है और यहाँ पर लैपटॉप में इसमें जो भी सॉफ्टवेयर का काम होता है वो यहाँ पर पूरा कम्प्लीट हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कलकत्ता में ना गैस की बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। आप देख रहे हैं अभी हम लोग क्रिएटर पे भी नया लगाए हैं गाड़ी, आप देख सकते हैं अब ये बहुत अच्छा से लगा दिया, जैसे कंपनी फिटेड की तरह गाड़ी पूरा बना हुआ है। ये है आप लोगों का रिड्यूसर, इसको रिड्यूसर बोला जाता है, ठीक है। और ये है आपका इंजेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम लोग का पूरा गाड़ी एकदम पूरा कंपनी फिटेड की तरह किया हुआ है। 8 इंजेक्टर का है जो BS4 है, जो नया गाड़ी आती है वो 8 इंजेक्टर का होती है। दिखा रहे हैं आपको ये 4 इंजेक्टर गाड़ी है, फिलिंग का जगह है, यहाँ से सामने से गैस भरी जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा। और ये प्लेट भी हम लोग लोवाटो की तरफ से लगाते हैं, इसमें हर चीज़ का डिटेल्स दिया रहता है। दिखा रहे हैं आपको ये 4 इंजेक्टर गाड़ी है, BS4 का है, इसमें 4 इंजेक्टर लगा रहता है, ये आप ठीक से देख लीजिए, ठीक है। और BS6 में इसका 8 इंजेक्टर होता है, जो यहाँ पे 8 इंजेक्टर होता है वो अलग तरह का होता है। तो BS4 और BS6 में यही दो का फर्क यही है कि ये 4 इंजेक्टर है और BS6 8 इंजेक्टर है। ये देखिए अभी पीछे का फिटिंग है, देखिए यहाँ देखिए 14 kg का सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ गुड स्पेस देख लीजिए, यहाँ काफ़ी बड़ा गुड स्पेस है, आराम से आपका 2-4 लगेज आराम से आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये पूरा कंपनी फिटेड की तरह गाड़ी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ क्या है नहीं है। आप तो देख सकते हैं कितना अच्छा फिट, गुड स्पेस देखिए, कितना जगह मिल रहा है आपको, लगाने के बावजूद भी कितना जगह है। ये लोवाटो है, बालाजी इंटरप्राइज है और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है।
ठीक। गैस आएगी आपका कम से कम पंप में अगर प्रेशर अच्छा रहा तो इसे 10 से 11 किलो गैस आ जाती है। और इसका माइलेज का बात कीजिएगा तो माइलेज जब जिसका दे रही है 9-10 दे रही होगी तो 17-18 लोकल में आ जाएंगी। हाई में जाइएगा तो कम से कम 28 से 29। अब देखिए ये हम लोग का स्विच लगा हुआ है लोवाटो का, आप तो देखिए अभी गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा तो कुछ सेकंड को इंतजार कीजिए, अभी गैस में कन्वर्ट होगा। अभी ब्लिंक कर रही है, जब तक ब्लिंक कर रही है देखिए अभी थोड़ा कम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए देखिए अभी कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक है ना। इस तरह से स्विच लगा हुआ है, सब कुछ देख लीजिए पूरा एकदम अंदर में स्टार्ट है इंजन का साउंड। हाँ अभी देखिए ये गाड़ी अभी पूरा CNG पे स्टार्ट है, अभी इंजन का साउंड देख लीजिए कितना स्मूथ सा साउंड है इंजन का। अभी आपको पता भी नहीं चलेगा ये CNG में चल रहा है ना पेट्रोल में चल रहा है, लेकिन ये है अभी CNG में स्टार्ट। अब पेट्रोल में कर दो, अब ये देखिए पेट्रोल में है, अब पेट्रोल में भी देखिए सेम है, आपको पता भी नहीं, जब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कोई मतलब ये नहीं लगेगा, पर दोनों ही सेम लगेगा आपको। अब आपको CNG की जो किट होती है कौन कौन सी किट की क्या प्राइस रहने वाली है और यहाँ पर वर्कशॉप का और ऑफिस का जो एड्रेस क्या है वो पूछ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग का ऑफिस है बालाजी इंटरप्राइज, हम लोग का ऑफिस है आपका कालीघाट 38 हल्दारपाड़ा रोड, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर दिया रहेगा आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। और जहाँ तक हम किट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ 4-5 टाइप का किट होते हैं, जो BS4 के लिए होता है EXR ब्लू, BS6 के लिए होता है स्मार्ट, नया BS6 के लिए स्मार्ट 2, और एक तो COBD2 होता है जो टर्बो इंजन के लिए होते हैं। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि जो लोग हैं वो 1.0 लीटर का टर्बो इंजन ले लेते हैं, लेकिन उनमें CNG सक्सेस है या नहीं? एकदम 100% हम लोग का एकमात्र लोवाटो एक कंपनी है जो टर्बो इंजन में सक्सेस है। उसमें कोई मिसिंग वगैरह या फिर वो अलग से फ्यूल तो नहीं खाती है? नहीं, कोई अलग से फ्यूल नहीं खाती, उसमें एक 3D एडवांसर लगती है जो डायनेमिक एडवांसर बोला जाता है, उसको उसमें लगाया जाता है टर्बो इंजन के लिए खासकर। अच्छा, जैसे कि ये क्रेटा है तो इसमें एडवांसर लगाने की जरूरत है या नहीं? एकदम नहीं है जरूरत, आप तो चलाए हुए, आप तो देखिए कोई लैकिंग वैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी तो लैग वगैरह मेरे को फील नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको 100-200-400 या फिर 500 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी जितनी भी माइलेज टेस्ट की वीडियो है वो मैं आपके सामने लाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 20-30-40-50 या लाख किलोमीटर चल चुकी है, अगर आप अपनी गाड़ी में CNG फिट करा रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग को चेंज करा दें, नए डलवाएं जो भी कंपनी के होते हैं ओरिजिनल वाले, ठीक है। उसके बाद थ्रोटल बॉडी होती है उसको भी क्लीन कराना बिल्कुल भी ना बोलें, जिससे गाड़ी में मिसिंग वगैरह जो भी जर्क वगैरह आता है वो आपको बिल्कुल भी फील ना हो। अगर आप कलकत्ता के रहने वाले हैं, अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, मेरा एड्रेस पे आ जाइएगा बालाजी इंटरप्राइज 38 हल्दारपाड़ा रोड, ये ऑपोजिट कालीघाट में, ठीक है। और जे कोई बंधु जो हमारा एखान आसते पारें कोलकाता वेस्ट बेंगल जेखने खुशी थाकें, हमारे कालीघाट ऑफिस आछे P38 हल्दारपाड़ा रोड नियर KSZ मॉल ऑपोजिट आछे आपनार कालीघाट पोस्ट ऑफिस, আপনি এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আপনি এখানে এসে কিটটা লাগিয়ে নিতে পারেন। CNG কিট আপনি লাগাই হ্যায় ইয়ে এন্ডোর্সমেন্ট কে সাথ হ্যায় না, মতলব RC মে চড়া কর দোগে না? RTO কে এন্ডোর্সমেন্ট কে সাথ হ্যায়, जो मैं बोलूंगा वही करूंगा। अच्छा, एक सवाल और है कि RC पर एंडोर्समेंट करा कर दोगे तो उसकी जो RC है वो तकरीबन कितने दिन में आ जाती है घर? वो देखिए वर्किंग डेज आपका 15 से 20 दिन हम लोग लगाते हैं टाइम, अगर उससे पहले होगा तो पहले भी दे देंगे, नहीं तो 1-2 दिन और भी होता, क्योंकि सैटरडे संडे छोड़ के, हम ये वाला बात, सैटरडे संडे हम लोग का यहाँ RTO बंद रहता है, उसको छोड़ के 15 से 20 दिन हो, हम लोग कोशिश करते हैं पहले ही देने के लिए। अच्छा, लोवाटो पर कितने साल की वारंटी रहती है, किस किस पार्ट्स पर रहती है? लोवाटो को 4 साल की वारंटी रहती है पूरा गाड़ी में, और इसमें खासकर रिड्यूसर है 5 साल का गारंटी रिड्यूसर, बाकी सब 1-1 साल का गारंटी देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, कुछ होता नहीं है फिर भी हम लोग गारंटी दे देते हैं। तो मेरा नाम तो आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, तो स्पेशली मैंने इनको बोला था कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो कंटेंट क्रिएट करता हूं, तो भैया ने मेरे को एक गिफ्ट दिया है बहुत ही अच्छा सा, सो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। भैया आप आए हैं, हाँ, मैं अपनी गाड़ी में CNG लगवाने के लिए ना, मतलब कि यूट्यूब पर बहुत दिन से तलाश कर रहा था कोलकाता में सबसे बेस्ट CNG किट कौन लगाता है, तो इनका गूगल पर मैंने रेटिंग देखी और फिर मैंने बहुत बार, मतलब कि महीने में तकरीबन 4-5 बार मैंने कॉल किया था, अच्छा रिस्पांस आता था, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी गाड़ी में CNG किट लगवाई है। ये है कि स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो काम है वो मेरा 5-6 घंटे में कम्प्लीट हो गया पूरा। देखो, जहाँ से भी आप CNG लगवा रहे, चाहे यहाँ से लगाओ चाहे कहीं से भी लगाओ ऑल इंडिया में, लेकिन भाई सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए लगाने वाले की वो जो है वो फिटमेंट वगैरह ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो भी कारीगर होते हैं वो बेस्ट होने चाहिए काम करने के मामले में, क्योंकि CNG लगाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, उसको फिट करना, उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है वो है मेन खेल। ओके भैया, ये भैया आए हैं, हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं,
थोड़ा आप देख लीजिए, भैया बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग का काम देख के, तो आप भी आइए भैया को देख के।